सहरसा महिषी प्रखंड अंतर्गत भेलाही गांव के ईदगाह मैदान में रहमानी मेमोरियल T20 टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। वहां आज फाइनल मैच सहरसा और तेलवा के बीच खेला गया। आपको बता दें कि सहरसा इस्लामिया चौक ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। वहीं सहरसा ने 20 ओवर में 132 रन का लक्ष्य रखा। वहीं तेलवा टीम ने बड़े अच्छे तरीके से बल्लेबाजी कर जीत हासिल की। खेल प्रतियोगिता आयोजन के दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ मैदान में उभरी रही। बड़े ही मजे से लोगों ने मैच का आनंद उठाया। तेलवा के खिलाड़ी की जीत की घोषणा कर फर्स्ट प्राइज न्यू मोटरसाइकिल देकर हौसला बढ़ाया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में राजद के पूर्व मंत्री सह विधायक स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल गफूर की बड़ी बेटी डॉक्टर महजबी नाज, नोटा प्रमुख समीर अख्तर, रोलर सपा के जिला अध्यक्ष जीसू सिंह जलई, कई पदाधिकारी व नेता इस खेल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। सहरसा बिहार से दीपेंद्र कुमार के साथ असदुल्ला की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। टूर्नामेंट जो किया गया है सर, इसके लिए आप जनता से क्या क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या है महत्वपूर्ण बताएं सर? क्रिकेट जो है देश का सबसे लोकप्रिय खेल है और क्रिकेट खेलने से शारीरिक वृद्धि होता है और मानसिक भी संतुलन बनता है अच्छा, और आपसी सौहार्द का खेल है। मैं तमाम क्रिकेट प्रेमियों को बधाई देता हूँ, खास करके आज जो इस टूर्नामेंट के विजेता है हमारे तेलवा पश्चिमी के टीम, मैं उनको दिल की गहराई से बधाई देता हूँ। साथ ही रहमानी क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने के लिए मैं यहाँ के आयोजक हूँ, अपने भाइयों को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। एवं प्रत्येक साल इस तरह का टूर्नामेंट उनके द्वारा किया जा रहा है, जिसमें मुझे भी अब 3 बार से मौजूद इस टूर्नामेंट के फाइनल में या उद्घाटन में हम किसी न किसी रूप में हुए हैं। इसके लिए मैं संपूर्ण भेलाही वासियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज किन की जीत हुई है सर? आज तेलवा पश्चिमी की जीत हुई। जी बताइए सर, आज यहाँ भेलाही पंचायत में क्रिकेट खेला गया है, इससे एक संदेश जा रहा है अवाम के बीच में, भाईचारे का एक संदेश जा रहा है और बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ के सारे दर्शक बैठ करके कड़ाके की धूप में खेल का लुत्फ लेते रहे। हम लोगों को लग रहा था जिस तरीके से कि सहरसा टीम जीतेगी, लेकिन अंत क्षण तक आते आते तेलवा टीम ने ऐसा खेल का रुख मोड़ दिया कि सहरसा टीम को हार की मुँह खानी पड़ी। खेल जो है अनिश्चितता का खेल है, इससे घबराना नहीं चाहिए। सहरसा टीम जो हारी है उसको अपने में चिंतन करना है कि हमसे कहाँ चूक हुई, बैटिंग में या बॉलिंग में या फील्डिंग में, तो वो अपने चूक को सुधारेंगे। मैं विजेता टीम को दुआ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और जो टीम हारी है उसको अपने चिंतन करते हुए आगे फिर खेलने के लिए अच्छे ढंग से प्रदर्शन करने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। जीत का जो सिलसिला चल रहा था सर, उसमें क्या क्या प्राइज रखा गया था बताएं सर थोड़ा दर्शकों को। फर्स्ट प्राइज जो है तो यह मोटरसाइकिल दिया गया है और रनर टीम को 500 का चेक भी दिया गया है और कप से भी सम्मानित किया गया है।